नमस्कार, स्वागत है आपका IBN 24 न्यूज में। पारोना विधानसभा में बीजेपी के अधिकृत उम्मीदवार टीकाराम कोराची में रिटर्निंग अधिकारी पारोना कार्यालय पहुंचकर भरा नामांकन, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता के साथ रैली निकाली गई। देखिए पूरी खबर IBN 24 न्यूज के लिए पारोना से नितिन जायसवाल के साथ। किस ग्राम से रहने वाले हो? अठाई। मुझे बताइए, आज के बारे में बताइए मुझे कि आप पांडुना विधानसभा को किस बताइए कुछ जानकारी जी। पांडुना विधानसभा के बारे में कुछ जानकारी बताइए कि अगर विजय होने के बाद मैं पांडुना विधानसभा के क्या करने वाले हो, समस्या जो है पांडुना की जो समस्या है जी, जैसे जल से प्रभावित है, उस समस्या को पहले हल करेंगे और पांडुना को जिला बनाने के लिए जो प्रयास करना है उसको पूरा करेंगे। और जो हमारे पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय हैं कि जो लास्ट के छोर के व्यक्ति का विकास होना चाहिए, वहाँ तक योजना पहुँचना चाहिए, उनके कदमों पे गरीबों की सेवा करने के लिए हम हमेशा तत्पर तैयार हैं। पार्टी ने आपसे दूसरी बार घोषणा की है, इस बार आप क्या कर पाएंगे? इस बार पार्टी का सहयोग है, सब युवाओं का साथ है और युवाओं के बारे में भी रोजगार के लिए हम लोग अगर चुन करके आते हैं तो उनके लिए भी चिंता करेंगे, रोजगार के अवसर दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। और किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच जाओ? जनता के बीच में मुद्दों को लेकर के हमारी योजनाएं इतनी हैं प्रदेश सरकार की, 15 साल आपकी सरकार रही, उसमें किन योजनाओं का फायदा पब्लिक को मिल पाया? पब्लिक को पूरा संबल योजना के अंतर्गत लाडली लक्ष्मी योजना से लेकर के तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना लेकर और मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना लेकर 15 साल में जो विकास हुआ है उसका जो समर्थन जनता करेगी उसके लिए हम लोग जनता के साथ है, जनता हमारे साथ है। कामटी जलाशय का क्या हुआ? कामटी जलाशय का पैसा आ चुका है, कहीं कुछ कारणवश रुका है, उसको हम पूरा निराकरण करेंगे, उसका साथ देंगे हम लोग। जहाँ काम अटका हुआ है उसको पूरा ऊपर तक के पहुँचाएंगे, उसको हल करेंगे। ठीक है, थैंक यू। इस बार पांडुना की जनता प्यासी रहेगी? रहेगी नहीं, हम चुन के आ गए तो कांग्रेस के विधायक और कुछ गलती हो जाती है जनता से, इसलिए ये भुगतना पड़ रहा है।